हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका काव्य क्लासेज में फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स लेके। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 25, 26, 27 जुलाई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। चलो देखते हैं आज का हमारा प्रश्न पहला क्या होता है। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात। पहले तो ये चेंज कर लेते हैं, W20 की ओर से राजस्थान की दुग्ध उत्पादक जिन्हें महिला सशक्तिकरण हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर कीर्ति भारती, ब है गायत्री देवी, स है सुप्रिया देवी और द है किरण बादल। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुप्रिया देवी। तो ये हमारे कहाँ पे आयोजित हुई है? गुजरात के सहकारिता मंत्री कौन है? जगदीश विश्वकर्मा के द्वारा इन्हें क्या किया है? सम्मानित किया गया सुप्रिया देवी। आपको पता है क्या सुप्रिया देवी किसका नाम होता है? पापूजी की वाइफ का नाम था। बोलो तो पापूजी महाराज की जय। सुप्रिया देवी इनकी वाइफ का नाम था। इनके घोड़े का क्या नाम था? कैसे वाल्मीकि घोड़े का नाम था। डॉक्टर कीर्ति भारती तो क्या है ये? डॉक्टर कीर्ति भारती ये एशिया के लगभग 49 बालिका रोकथाम के लिए जाने जाते हैं। गायत्री देवी जल संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। और किरण बादल एक आंकी ये गंगानगर जिले की रहने वाले, इन्हें साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021-22 के राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार होता है कौन सा पुरस्कार होता है? मेरा पुरस्कार। तो मैं आपको 19, 20, 21, 22, 23 के मेरा साहित्य पुरस्कार लेके आई हूँ। इनके क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है? मेरा पुरस्कार होता है। ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती है? 75,000 रुपये राशि दी जाती है। तो 2021-22 के राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मेरा पुरस्कार कृति इनकी कौन सी है? मोबाइल पिक और हॉस्टल। इनकी कृति कौन सी है? मोबाइल पिक और हॉस्टल के लिए इन्हें किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर पद्मजा शर्मा को, प्रीति सक्सेना को, दिनेश पंचाल को, जितेंद्र कुमार सोनी को। किसे सम्मानित किया गया है? पद्मजा शर्मा को किया गया है। और इनकी कृति कौन सी है? मोबाइल पिक और क्या है? हॉस्टल है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जोधपुर के रहने वाले है भाई। डॉक्टर पद्मजा शर्मा ये जोधपुर के रहने वाले हैं और इन्हें मीरा पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। दिनेश पंचाल को ये रांगे राघव पुरस्कार से किया गया है सम्मानित किया गया है। इनकी कृति का क्या नाम है? खेत। इनकी कृति का नाम है जितेंद्र कुमार सोनी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है हनुमानगढ़ के रहने वाले। इनकी कृति का नाम क्या है? रेगमाल। ठीक है, ये इसे पद्य भाग के लिए दिया गया है, इन्हें गद्य भाग के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो 20 और 21 का कौन सा पुरस्कार है? मीरा पुरस्कार। जो कौन सी कृति है गद्य कृति के लिए? प्री ओलिव। इन कृति का नाम क्या है? प्री ओलिव। इनकी कृति का नाम है, किसके लिए प्रदान किया? डॉक्टर आर डी सैनी को किया है, रीना मेनारियो को किया गया, माधव नागदा को किया गया है, फिर गुलाब मोहिद्दीन को किया गया। डॉक्टर आर डी सैनी को किया गया जो जयपुर से बिलोंग करती है। इनकी कृति का नाम क्या है? प्री ओलिव है। रीना मेनारियो कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर जिले की रहने वाली है। रीना मेनारिया को गद्य रांगे राघव पुरस्कार से किया गया है सम्मानित किया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? ये उदयपुर की रहने वाली है। डॉक्टर आर डी सैनी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जयपुर के रहने वाले हैं। इनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कृति का नाम पूछे तो क्या है? प्रिय ओलिव इनका कृति का नाम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इतने बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। चौथा क्वेश्चन देखो, वर्ष 2019-20 के राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? इनकी कृति है काव्य कृति मुड़कर देखता है जीवन। क्या है? देखो मुड़के देखता है जीवन के लिए किसे प्रदान किया गया है? गोविंद माथुर को किया गया है, भानु भारती को किया गया है, संदीप मिल को किया गया है या सदाशिव क्षत्रियो को किया गया? किसे किया गया है? 2019 और 20 का
जिनकी कृति कौन सी है, मुड़कर देखता है जीवन, ये जयपुर के निवासी है, कौन है, गोविंद माथुर। जयपुर के निवासी है गोविंद माथुर, देखो जो जयपुर के निवासी गोविंद माथुर, इनकी कृति कौन सी है, मुड़कर देखता है जीवन, ये इनकी कृति नाम है। और इन्हें कब प्रदान किया है, 2019 और 20 का। इनमें देखो तीन बातें ध्यान रखनी होती है, एक तो इनमें कौन से सन में दिया गया, दूसरी बात इनकी कौन सी काव्य कृति है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनका नाम क्या है, चार बातें ध्यान में रखनी होती है मीरा पुरस्कार में। तो सर्वोच्च पुरस्कार कितने हैं, मीरा पुरस्कार नाम है, कितनी राशि दी जाती है, 75 राशि दी जाती है, और इसकी किसे दिया गया, गोविंद माथुर को दिया गया, ये कहाँ के रहने वाले, जयपुर के निवासी है, जयपुर के, इनकी कृति क्या है, मुड़कर देखता है जीवन, और काव्य कृति है इसकी मुड़कर देखता है जीवन, गोविंद माथुर को दिया गया है 2019 और 20 का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23, ये इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये हमारे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे संगणक की भर्ती आ चुकी है, ठीक है, इनके एग्जाम होने वाले अक्टूबर में, आरएस का एग्जाम है, तो ये सारे जो करंट अफेयर्स इसमें पूछे जाएंगे, इनमें लगभग बहुत ज्यादा भागीदारी होती है करंट अफेयर्स की, और आरएस में जो करंट पूछा जाएगा ना, लगभग 10 से 15 सवाल पूछने के बीच में संभावना होती है, तो आपने 6 महीने का जो करंट होता है ना, वो कहीं का नहीं छोड़ना है। आप, मैंने इसको 2019 का बता दिया, 2020 का बता दिया, 21 का बता दिया, 22-23 का बताने जा रही हूँ। 22-23 का मेरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, रत्ती सक्सेना, डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, अजय अनुरागी या राजा राम बहादुर, ये किसे प्रदान किया गया, रत्ती सक्सेना को मेरा पुरस्कार प्रदान किया गया। रत्ती, इनकी कृति कौन सी है, हंसी एक प्रार्थना, तो ये भाई जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार लगा लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन याद कर लेना, ये 2022 का मेरा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, रत्ती सक्सेना जी को प्रदान किया गया, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं। इनकी काव्य कृति कौन सी है, हंसी एक प्रार्थना इनकी काव्य कृति है, ठीक है। और चंद्र प्रकाश देवल जी को राय नागर सम्मान से किया गया, चंद्र प्रकाश देवल को राय नागर से किया गया, सम्मानित किया गया है, इन्हें अलग अलग से सम्मानित किया, सुधीर पुरस्कार गया, माया गुरु को दिया गया, मुझ में मीठा तू है इसके लिए दिया गया है। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल कहाँ के रहने वाले हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, अजमेर के, ठीक है। और जैसे 26 जुलाई के करंट अफेयर्स सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देखते हैं 26 जुलाई का प्रथम क्वेश्चन, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RCF, एक तो होता है राजस्थान का होता है और एक होता है सेंटर का, वो होता है CIF, ठीक है, सेंटर का होता है CIF और राजस्थान का कौन सा होता है, RCF होता है। इनमें 3 बटालियन प्रस्तावित किए गए, इनका मुख्यालय कहाँ पे गठित होगा, इनका मुख्यालय देखो 3 दिए गए हैं, भिवाड़ी भी होगा, चित्तौड़गढ़ भी होगा और बालोतरा भी होगा, और इनमें क्या होगा, उपयुक्त सारे क्या होंगे, सही होंगे, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, बालोतरा, ये हमारा मान लो राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। भिवाड़ी में जयपुर आ जाएगा, दौसा आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, सिकरे, ये जो ये उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है ना, ये भिवाड़ी में आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा, इधर वाला प्रदेश दक्षिणी प्रदेश आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, पाली आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, इसके इसका मुख्यालय के अंडर ये सारे आ जाएंगे, और भिवाड़ी के अंडर में ये आ जाएंगे, बालोतरा बाड़मेर में है ही, तो उपयुक्त उसमें से क्या हो जाएगा, सारे क्या है, सत्य है। ये बजट है ना 2023-24 में क्या की इनकी घोषणा की गई थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सारे ही सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कहीं के राजस्थान सरकार के द्वारा किस समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान सरकार ने ना इनके क्या किए गए, विकास बोर्ड घोषित किया गया, इनके विकास का नाम क्या है, राजस्थान राज्य तेलीगाड़ी विकास बोर्ड, ये देखो राजस्थान राज्य तेलीगाड़ी विकास बोर्ड का गठन किया गया है, ये कौन से समुदाय के लिए है, देखो इस पे नाम ही आ रहा है तेली समुदाय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेली समुदाय इसका राइट आंसर है। इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक तो अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, बाकी क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ये किसके लिए किया गया, कौशल नियोजन उद्यमिता के लिए, कौशल नियोजन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इन्हें क्या किया, तेली समुदाय
क्या कि प्रत्येक अभी है ना हाल ही में जो 8वां स्तर चल रहा है विधानसभा का, तो ये अपने अपने बोर्ड के गठन कर रहे हैं। आगे भी बोर्ड देखो, एक बोर्ड ये हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकार समुदाय के लिए अवंती बाई लोधी बोर्ड का गठन किया है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा वैसे पूछ लेगा अवंती बाई लोधी बोर्ड का गठन किसमें से किया गया है, या ये पूछ लेगा, या फिर तीन चार बोर्ड बता देगा, इधर मतलब मिलाने वाले दे देगा, इधर तो बोर्ड दे देगा और इधर इनके नाम दे देगा समुदाय, तो इनमें क्या कर देगा मिलान करो, या फिर ऐसे दे ये दे देगा, या फिर कथन निष्कर्षण वाले दे देगा। तो सारे हमको सही करने, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, इसका उत्तर भी क्या दे ध्यान से दे। अवंती बाई लोधी बोर्ड, आप देखो यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, लोधी आ रहा है, वहाँ पे क्या नाम आ रहा था, तेली नाम आ रहा था, वहाँ पे क्या था, तेली समुदाय था, तो यहाँ पे लोधी नाम आ रहा है, तो इस पर क्या हो जाएगा, तो लोधी समुदाय हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोधी समुदाय हो जाएगा भाई। सुविधा उपलब्ध कराने लोधी समुदाय क्यों बनाया गया, इनको क्या है मतलब सुविधा उपलब्ध हो एक तो, और इनका क्या हो, इनका देख रेख में क्या हो, पिछड़ेपन को क्या किया जाए, इनको दूर किया जाए, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इनके समुदाय को क्या गया, बोर्ड गठित किया गया, तो इसका नाम क्या, अवंती बाई लोधी बोर्ड इसका गठन नाम है। तो राइट क्वेश्चन तीन का क्या आंसर हो जाएगा, लोधी समुदाय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। कनाडा के विनिपेग में 28 से 8 अगस्त तक होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में हुए हैं, राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है ये, और ये इसमें से बताने 5, 7, 9, 11 का हुआ है, कितने का हुआ है, तो इसमें टोटल कितने का चयन हुआ है, 11 का चयन हुआ है। हमारे अशोक गहलोत जी ने मंजूरी दे दी है हमारे खिलाड़ियों को वहां पे भेजने की, तो इसमें से 3 तो महिला ही है, 3 के हैं वुमेन है और 8 के हैं मेन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल कितने कितने का खर्चा आएगा, 43 लाख का खर्चा आएगा, ये कौन उठाएगा, राजस्थान पुलिस क्रीड़ा परिषद इसका क्या उठाएगा, वहन उठाएगा, 43 लाख का वहन उठाएगा। ये कहाँ पे आयोजित हो रही है, कनाडा में आयोजित हो रही है, कब से हो रही है, 28 से 8 अगस्त तक इसका क्या हो रहा है आयोजन किया जा रहा है, और राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है इसमें चयन हुए हैं, 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, उसको ध्यान में रखने वाली ये बात है। अगर ये महिला पूछ ले तो 3 तो वुमेन हो जाएगी, 8 क्या हो जाएंगे, मैन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। पर्यटन का अगर नाम ले ले तो लगभग आपको ऑप्शन में जयपुर जरूर देगा, ठीक है, जयपुर देखते हैं, आधे बच्चे क्या करेंगे, जयपुर को ही क्या कर देंगे, सही कर देंगे, लेकिन हमको जयपुर को सही नहीं करना है, लेकिन इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, ये जोधपुर में किया गया, जोधपुर में तेजा दर्शन महोत्सव मनाया गया। पहला कुरुंजा सुरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, 3 कंजर्वेशन रिजर्व बने हैं और एक कहाँ पे है, एक जोधपुर में खिंचन गांव जोधपुर में है, ठीक है, पहला कंजर्वेशन रिजर्व और तेजा महोत्सव भी कहाँ मनाया गया, जोधपुर में मनाया गया था, और जो हमारे 15 मई को इसका स्थापना दिवस था, 12 मई को जोधपुर का क्या था, स्थापना दिवस था। इसके उपलक्ष में हमारे रेल मंत्री को इन्हें पता है क्या, रेल मंत्री है वैष्णव सिंह जी, इनके क्या है रेल मंत्री, इनको क्या दिया है, सम्मानित किया गया है इसके उपलक्ष में। G20 शिखर सम्मेलन जो 2 से 4 फरवरी को हुआ, वो भी कहाँ पे हुआ था, जोधपुर में हुआ था, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, जयपुर में हुआ था, G20 शेरपाओं का सम्मेलन, यहाँ पे किसका हुआ था, शेरपाओं का सम्मेलन, ये उदयपुर में हुआ है, जोधपुर में इसका हुआ है, जोधपुर में। एक और अच्छी बात क्या है, भारत और सिंगापुर में युद्धाभ्यास हुआ था गोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, भारत और किसके बीच में, सिंगापुर के बीच में इनका क्या हुआ था, युद्धाभ्यास हुआ था गोल्ड कुरुक्षेत्र में हुआ था। और तो आपको पता है वीर दुर्गादास राठौड़ जी का पैनोरमा कहाँ पे बन रहा है, वीर दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा कहाँ पे बन रहा है, जोधपुर में बना है। तो जोधपुर की बातें मैंने बहुत सारी बता दी है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन का आयोजन कहाँ पे किया, जोधपुर में किया गया है,
भारत और सिंगापुर में इनका युद्धाभ्यास हुआ था, यहीं पे हुआ, जोधपुर में हुआ था। 12 मई को जोधपुर का क्या बनाया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में हमारे रेल मंत्री वैष्णव सिंह जी को क्या दिया गया, सम्मानित किया गया। और यहाँ पे एक बात और है, ACM के द्वारा जोधपुर में सौर ऊर्जा 300 मेगावाट की, ये भी बनाए गए ACMC के द्वारा जोधपुर में 300 मेगावाट की क्या की गई सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई, वो भी कहाँ पे है, जोधपुर में है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। इस संस्था ने IIT जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप और परियोजना शुरू की है, NVVN, IOC, BHEL, अडानी ग्रीन एनर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NVVN, IIT, हाँ जोधपुर, IIT जोधपुर, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इन्हें NVV घोषित किया गया है। इनका पूरा नाम क्या, NVV का विद्युत व्यापार, विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, इसका पूरा नाम क्या, इसके सहयोग से रूफटॉप विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की गई, यहाँ पे किस संस्था ने, तो IIT जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप परियोजना स्टार्ट की गई है, NVVN किसके सहयोग से, IIT जोधपुर, NTPC के सहयोग से ये किया गया। आज देख रहे हैं 27 जुलाई के क्वेश्चन, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। चांगवान दक्षिणी कोरिया में, चांगवान दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISF जूनियर अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है, किसने जीता है, संदीप बिश्नोई जी ने जीता है, अश्विनी बिश्नोई ने जीता है, अवनी लेखरा ने जीता है, या प्रिया सिंह ने जीता है, तो किसने जीता है, ये अश्विनी बिश्नोई ने जीता है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संदीप बिश्नोई, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये जोधपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या जीता है, 50 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है, 50 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है भाई, ठीक है। इनका मतलब पूरे अपना भारत का कौन सा स्थान रहा है, दूसरा स्थान रहा है, टोटल कितने पदक जीते हैं, 17 पदक जीते हैं, 17 पदक में से देखो टोटल कितने पदक जीते हैं, 17 पदक जीते हैं, 17 पदक जीते हैं, 6 गोल्ड जीती है, 5 सिल्वर जीती है, बाकी ब्रॉन्ज जीत लिए। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संदीप बिश्नोई, ठीक है। अवनी लेखरा जयपुर की रहने वाली है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान को जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। प्रदेश के जेम पोर्टल के माध्यम से ST उद्यमियों को उनके उत्पाद करिए आदेश देने बेहतर प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया द्वारा, देखो नई दिल्ली में आयोजित हुई है भाई क्रेता और विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान को जेमी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्रेता और विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान को कौन सा अवार्ड दिया गया है, जेमी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। प्रदेश को जेम पोर्टल के माध्यम से ST उपक्रमियों को उनके उत्पादक के क्रय आदेश दिलवाने के बेहतर कार्य के लिए ने मतलब बेहतर कार्य किए है, इसमें योगदान दिया है, तो इसको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, राजसा की RSLSAAT इन ग्लास पुस्तक का विमोचन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये हमें बताना है, अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है, आर्मस्ट्रांग जॉन मसीह के द्वारा किया है, या फिर कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है, या फिर किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर CP जोशी के द्वारा किया गया है, इनमें से ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग जॉन मसीह के द्वारा, ये कौन से हैं, 41वें क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। और इसकी न्यायाधीश की जोधपुर रेंज में हमारा जोधपुर में जो मुख्य उच्च न्यायालय हमारा 1949 में इनकी क्या की गई स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय इनका जोधपुर में है, उच्च न्यायालय का मुख्यालय, लेकिन इनकी खंडपीठ कहाँ पे है पूछे तो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसकी खंडपीठ कहाँ पे है, जयपुर में, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जोधपुर में। और ये RSLS एंड इन द ग्लास पुस्तक का विमोचन
किसके द्वारा किया गया है? ऑगस्टन जॉर्ज मसीह के द्वारा किया गया है। ये कौन से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है? 41वें मुख्य न्यायाधीश है। पहले कौन थे इसके? के वर्मा थे। पहला अगर पूछ लेना के वर्मा इसके क्या थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसकी स्थापना की गई 1949 में। अब देखिए, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदान की जा रही सामग्री की लागत कितनी है? ये योजना किसके द्वारा तय की गई है? ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा किया गया है। इसका वितरण कौन करेगा? कॉर्नफेड कंपनी करेगी। कॉर्नफेड कंपनी इसका क्या किया गया? वितरण किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 370 रुपये इसकी लागत आएगी, जिसमें तेल दिया जाएगा, ठीक है, मिर्च दिया जाएगा, धनिया दिया जाएगा, नवे ये ऐसी दालें दी जाएगी दो प्रकार की। तो सरकार ने पहले तो क्या किया कि इनको ना सभी को अभी सीवर लगे थे उनमें क्या किया गया था? सभी को ये दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि अभी इनको क्या कर देंगे, बैंक में इनके खाते में क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो कितनी लागत आएगी इसकी? 370 रुपये इसकी लागत आएगी। तो सभी के खाते में कितने रुपये आएंगे? वही 370 रुपये आएंगे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदान की जाए सामग्री की लागत कितनी आएगी? 370 रुपये आएंगे। ठीक है, अब देखिए, देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? यहाँ पे क्या नाम है? देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? पहला, आठवां, पंद्रहवां या अठारहवां? तो कौन सा रहा है इनका? अठारहवां रहा है। पहली जल निकाय गणना में कौन सा रहे हैं? देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना रहे हैं? 27वां रहा है। 27वां रहा है। और टीबी में कितना रहा है? टीबी में रहा है इसका 4th रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 27वां रहा है, टीबी इंडेक्स में 4th रहा है। गरीबी और खाद्य सुरक्षा में 8वां रहा है। गरीबी और खाद्य में किसका रहा है? गरीबी खाद्य में कितना रहा है? 8वां स्थान रहा है। और पर्यटन में कितना रहा है? 10वां स्थान रहा है। तो ये कुछ स्थान पूछ लेंगे तो आपको याद करना है। तो देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? 18वां स्थान रहा है। हैप्पी इंडेक्स में हमारा राजस्थान कौन से स्थान पर है? 27वें स्थान पर है। और टीबी इंडेक्स में कौन से स्थान पर है? जो 94वें स्थान पर है। इसका मिशन है 2023 को राजस्थान को टीबी मुक्त बनाना। निक्षय पोर्टल इसका लॉन्च किया गया था, आपको पहले भी ये प्रश्न कराया हुआ। गरीबी और खाद्य सूचकांक में हमारा देश में 8वां स्थान है। और पर्यटन में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान हमारा पर्यटन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वां स्थान हो जाए। आज ही के साथ हमारे सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। फिर से मैं आपके सामने हाजिर रहूंगी इनसे अच्छे क्वेश्चन लेके। और आप उस क्वेश्चन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, नमस्कार।